बेबी डायपर्स एक ऐसी चीज़ जिसने हमारी और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। बट क्या बेबी डायपर्स हमें यूज़ करना चाहिए? क्या ये बच्चे के लिए सेफ है? अगर यूज़ करें तो उसका तरीका क्या है? डॉक्टर से क्या रिकमेंडेशन है? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियो के चैनल को देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं डायपर के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा ये है कि डायपर से हमारी नींद अच्छी होती है, रात की बार बार उठना नहीं पड़ता। हमारे साथ साथ बच्चे की नींद भी अच्छी होती है। कहीं हम सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र हमारा आसान होता है, और रात में डायपर गीला करने की वजह से बच्चे के कपड़े, बेडशीट ये सब ख़राब नहीं होते। तो फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं डायपर्स के, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। पहला नुकसान तो ये है कि ये कॉस्टली होता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जो अफोर्ड भी कर पाते हैं तो उनके लिए हर दो दो घंटे में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि डायपर बेबी की नाजुक कोमल स्किन को डायरेक्ट टच करता है। डायरेक्ट टच करने की वजह से एलर्जी, डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस और रैशेस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा, डायपर अगर देर तक लगा रहा तो नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डायपर बच्चों के लिए सेफ है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं डायपर्स के बारे में, उनकी क्या राय है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डायपर बच्चे के लिए सेफ है, बट अगर हम डायपर को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वो सही तरीका क्या है, अब जान लेते हैं। आइए, सबसे पहली चीज़ जो प्रिकॉशन है आपको डायपर्स के यूज़ में, वो जो ध्यान रखनी है, उनमें सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि डायपर को कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बांध के रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि डायपर जैसे ही बच्चा गीला कर दे, चाहे वो रात हो, दिन हो, कभी भी हो, थोड़ा सा भी सूसू हो या पॉटी बच्चन कर दी हो, आपको वो चेक कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हो गए, आपने चेक नहीं किया। और जो वहाँ पर नमी होगी, अगर सूसू बच्चे ने कर दिया उसकी नमी है तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर पॉटी बच्चे ने कर दी, खासकर जो लूज स्टूल वाली पॉटी होती है, वो अल्कलाइन होती है, वो पॉटी पूरी जो एनल एरिया है, बटक है, वहाँ पर एक्सकोरिएशन कर देता है, स्किन वहाँ पर छिल जाती है, लाल लाल रैशेस हो जाते हैं। तो अगर बच्चे ने पॉटी किया है या बच्चे ने सूसू किया है तो आपको पहली चीज़ तो चेक करते रहना है और उसको तुरंत चेंज करना है। अगर आप सफ़र में भी हैं तो भी आपको ये काम करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप डायपर का यूज़ करें तो डायपर की जो क्रीम आती है, नेपी क्रीम आती है बहुत सारी, या फिर कुछ नहीं तो मॉइस्चराइजर आता है, या वो भी नहीं तो सिंपल नारियल का तेल, वो आप लगा के रखिए ताकि नमी बच्चे की स्किन को ख़राब ना कर पाए। और अगली जो सावधानी है वो ये रखनी है कि अगर बच्चे के कहीं पर रैशेस हैं, कहीं पर दाने हैं, या एलर्जी है, या एटोपिक डर्मेटाइटिस है, कोई भी इस तरह की स्किन मैनिफेस्टेशन है, तो आपको डायपर का यूज़ नहीं करना है। डायपर आपको अच्छी कंपनी का यूज़ करना है, अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है, आपको लोकल ऐसे डायपर नहीं यूज़ करना है जिससे कि बच्चे की स्किन को रैशेस होने का खतरा ज़्यादा हो, स्किन में एलर्जी का खतरा ज़्यादा हो। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि डायपर हमें कब तक यूज़ करना है? तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स इसका कोई गाइडलाइन नहीं है। आप तब तक यूज़ करिए जब तक कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से ना हो जाए। टॉयलेट बच्चा जाने लगे, खुद से बताने लगे, बच्चा दिन में ड्राई रहने लगे, तो आप डायपर का यूज़ कम करने लगे। और कोशिश ये करें कि रात में भी जब बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाए तो रात में डायपर पहनाना भी बंद कर दें। इस तरह से ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे की एज पे और साथ साथ बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग पे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि जल्दी जल्दी बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट करें ताकि बच्चा जल्दी जल्दी डायपर छोड़ दे, क्योंकि डायपर बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। फ्रेंड्स, बस इतनी छोटी सी वीडियो थी, ये डाउट बहुत से लोगों ने पूछा था, इसीलिए इस पर मैंने वीडियो बनाई। और फ्रेंड्स, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आप कमेंट से पूछते हैं, मैं उसका रिप्लाई सबका नहीं कर पाता, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैंने एक चैनल बनाया है हेल्दी चाइल्ड शॉर्ट्स के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर मैं आपके क्वेश्चंस, आपके जो डाउट्स होते हैं, आपके कमेंट होते हैं, उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कोई ऐसी वीडियो जिसमें कि आपके कमेंट का रिप्लाई हो, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे चैनल पे भी अपना प्यार बनाए रखिए, जो वीडियो अच्छी लगे उसे शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अपना प्यार हमारे चैनल पे ऐसे बनाए रखिए और देखते रहिए हेल्दी डाइट। थैंक यू।